हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके अंदर की हम कम्युनिकेशन के जो टॉपिक्स हैं, जो गेट में आते हैं, मैं पूरा उसको कवर करूँगी। कम्युनिकेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या होता है? मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं बोल रही हूँ, इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन, और आप तक ये पहुँच रही है। आप डेस्टिनेशन हो, तो मेरे पास से कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ अ कम्युनिकेशन, चाहे हमारा टूल, हमारा मीडियम कुछ भी हो, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ अ कम्युनिकेशन। अब यदि हम देखें तो मैं जो बोल रही हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं सेंड कर रही हूँ, उसे हम इन्फॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल बोलेंगे। कोई भी मैसेज सिग्नल आप तक जो है वो हमारे किसी सोर्स के थ्रू जा रहा है, तो वो भी हमारा सोर्स ट्रांसड्यूसर जो कि उसे लेके जा रहा है। हम किस मीडियम्स के थ्रू जा रहे हैं, चाहे वो चैनल है या फिर वायरलेस है, और आप उसको जो हमारा रिसीविंग एंड पर जो इंस्ट्रूमेंट उसे रिसीव कर रहा है, दैट इज़ रिसीविंग ट्रांसड्यूसर, और आपके हैं डेस्टिनेशन। तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो भी हमारा कम्युनिकेशन मैसेज या फिर कोई भी चैट हमारी कम्युनिकेट होती है, डैट इज़ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन है क्या? यदि हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या है? जो भी हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि इन्फॉर्मेशन जो कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको हम थ्रू आउट द कोर्स मैसेज सिग्नल बोलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम इंक्रीज करते हैं, डैट इज़ मॉड्यूलेशन। यदि हम थ्योरी वाइज देखें तो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन। कैरियर सिग्नल क्या होता है? कैरी करने वाला, हमारी किसी भी चीज़ को लेके जाने वाला होता है हमारा कैरियर। मेरा जो मैसेज सिग्नल है वो मैं कैरियर के थ्रू आप तक सेंड कर रही हूँ, तो उसको लेके जा रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन को, डैट इज़ कैरियर सिग्नल। यहाँ पे ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। मैसेज सिग्नल जो है वो कैरियर पे एक तरीके से कैरियर पर डल कर या उस को लेकर आप तक पहुंच रहा है। अब हमारा मैसेज सिग्नल तो लीनियर है और हमारा कैरियर सिग्नल साइनोसोडल है। मैंने आपको बताया कि हमारे कैरियर की एम्पलीट्यूड और फेज या फिर फ्रिक्वेंसी में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या है? हमारा लीनियर, और हमारा कैरियर सिग्नल क्या है? साइनोसोडल। तो हमारा क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो गया कैरियर का और वो जा रहा है। अब एक टर्म होती है पीक, फॉर एग्जाम्पल हमारा, अब हमारा टर्म क्वेश्चन होगा कि ये तो मैसेज सिग्नल नहीं है हमारा, जो ये पूरा मिला हमारा मैसेज सिग्नल तो ऐसा था। तो एक टर्म होती है पीक डिटेक्टर, उसमें क्या होता है, हम जो भी हमारा सिग्नल है उसके पीक को नोटिस करते हैं। तो हम पीक को नोटिस करेंगे और इनको मिला देंगे। जैसे ही हमने इनको मिलाया तो हमारा क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल रिसीव हो गया, क्योंकि इसमें हमारा एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा था, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था। जैसे कि ये वाला AM, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और यदि हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है तो वो होता है हमारा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और यदि हमारा फेस चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं फेस मॉड्यूलेशन। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें मॉड्यूलेशन, ये भी बहुत टर्म्स हैं जो कि हम, ये डिजिटल में आता है, पल्स मॉड्यूलेशन में PCM जो भी होता है, पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन, ये पहले टेलीफोन में बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी ने उसे ऑक्यूपाइड कर लिया। हम धीरे धीरे एक एक टर्म्स को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है, हमें आखिर मॉड्यूलेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेन रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए, दूसरा मल्टीप्लेक्सिंग। जो एंटीना हाइट होती है वो हमारी फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारा H क्या हुआ, C/4f हुआ, ठीक है। सपोज़ हमारा मॉड्यूलेशन से पहले जो हमारी फ्रिक्वेंसी थी वो 15 किलोहर्ट्ज़ थी,
यदि हम उस फॉर्मूले में पुट करके देखें तो हमारी हाइट आ रही है 5 किलोमीटर। तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो हम 5 किलोमीटर लंबा एंटीना तो बिल्ड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दी मॉड्यूलेशन से। तो हमारी सपोज़ करिए फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ हो गई, तो उससे हाइट कितनी आ रही है हमारी 75 मीटर। तो हम प्रैक्टिकली 75 मीटर का एंटीना डेवलप कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू 5 किलोमीटर। तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई। दूसरा होता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या